नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स रिलेटेड टू वॉच मूवी। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से पराठेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों जब भी हम लोग कभी मूवी देखने जाते हैं तो उससे रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंसेस आम तौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो, हेलो तनवीर, काफी दिन हो गए, चलो मूवी देखने चलते हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको इंग्लिश में कहना हो, तुम्हें याद है हमने पिछली बार मूवी कब देखी थी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको इंग्लिश में कहना हो, तुम कौन सा शो देखना पसंद करोगे, क्या नाइट शो ठीक रहेगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको इंग्लिश में कहना हो, पहले हम डिनर करेंगे और फिर 9 बजे वाला शो देखेंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों ज्यादातर लोगों से ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों अगर आपने कहा हेलो तनवीर, तो दोस्तों हेलो को हम इंग्लिश में हेलो ही कहेंगे और तनवीर यहां पर नाम है, तो हेलो तनवीर को हम इंग्लिश में हेलो तनवीर ही कहेंगे। काफी दिन हो गए, तो ऐसे में आप कहोगे इट हैज बीन लॉन्ग, इट हैज बीन लॉन्ग, यानी काफी लंबा समय हो गया है, चलो मूवी चलते हैं। इट हैज बीन लॉन्ग, लेट्स गो टू मूवी, लेट्स गो टू मूवी, चलो मूवी चलते हैं। तो दोस्तों हेलो तनवीर को हेलो तनवीर कहेंगे, काफी दिन हो गए हैं, तो इसकी इंग्लिश हो गई इट हैज बीन लॉन्ग, चलो मूवी चलते हैं। तो दोस्तों चलो मूवी चलते को हम कहेंगे लेट्स गो टू मूवी। ओके ऑल राइट। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा क्या तुम्हें याद है या तुम्हें याद है, तो उसकी इंग्लिश होगी डू यू रिमेंबर। दोस्तों डू यू रिमेंबर का मतलब है तुम्हें याद है हमने पिछली बार मूवी कब देखी थी। डू यू रिमेंबर व्हेन वी watched movie last time। तो दोस्तों अगर आपने कहा क्या तुम्हें याद है हमने last time movie यानी पिछली बार movie कब देखी थी, तो ऐसे में आप कहेंगे do you remember when we watched movie last time। दोस्तों do you remember का मतलब है तुम्हें याद है, when का means होता है कब, वी यानी हमने, वॉच्ड यानी देखी थी मूवी, हमने मूवी कब देखी थी, व्हेन वी वॉच्ड मूवी, पिछली बार। सो दोस्तों पिछली बार को हम कहेंगे लास्ट टाइम। ओके ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा तुम कौन सा शो देखना पसंद करोगे, तो इंग्लिश होगी विच शो। दोस्तों विच शो का मतलब है कौन सा शो, विच शो डू यू या वुड यू। दोस्तों वुड यूज करते हैं जब आपको किसी से कोई चीज ऑफर करनी हो, अगर कहना है आप कौन सा शो देखना पसंद करोगे, तो आप कहोगे विच शो वुड यू लाइक टू वॉच, वुड यू लाइक टू वॉच, आप कौन सा शो देखना पसंद करोगे। सो कौन से को हम कहेंगे विच, कौन सा शो यानी विच शो, वुड यू लाइक टू वॉच यानी आप देखना पसंद करोगे, नाइट शो ठीक रहेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ अबाउट नाइट शो, क्या नाइट शो देखना ठीक रहेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ अबाउट नाइट शो। ओके ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा पहले हम डिनर लेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी फर्स्ट वी विल हैव डिनर, सब पहले हम डिनर लेंगे, तो उसकी इंग्लिश होगी फर्स्ट वी विल हैव डिनर और फिर मूवी देखेंगे।
एंड वी एंड वी विल फर्स्ट वी विल हैव डिनर एंड देन, दोस्तों देन का मतलब होगा फिर, देन वी विल वॉच, हम देखेंगे, वी विल वॉच 9 PM शो, हम लोग नाइट शो देखेंगे, वी विल वॉच 9 PM शो। दोस्तों फर्स्ट वी विल वॉच, वी विल हैव डिनर यानी पहले हम डिनर करेंगे, एंड एंड यानी और, फिर को हम कहेंगे देन, 9 बजे वाला शो देखेंगे एंड देन वी विल वॉच 9 PM शो। सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्ते इंग्लिश, आई विल सी यू इन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेसन। टिल देन टेक केयर।